दोनों को। अरे वाह, और एक बार पैसे लगते यार। चलो यार, हो गया। सेम सेम अच्छे साहब समोर होता है सर। मिशन बाटला, मिशन बाटला। On this thing, तीन फिल्में, बड़ी फिल्में आ रही हैं। अभी जॉन, आपने ये पता नहीं, शायद आपने सवाल किया होगा, लेकिन जॉन ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। Make some noise for Desi boys, यार। और देखिए, और वैसे भी आपको बताऊं कि बात तो सही है। देखिए, साल में कितने हफ्ते होते हैं, कितने फ्राइडे होते हैं? 52? Yes, yes, yes. या, या, या। और कितनी फिल्में रिलीज होती है हमारी, हिंदी फिल्में? 180, 190 जी। तो क्या करें, दो दो तीन तीन नहीं आएंगे साथ में तो क्या करेंगे? हाँ, कि किसको परेशानी हुई? क्योंकि वे फ्रेंड्स
सब तो दोस्ती आ रही है, तो क्या होता है ना देखिए, और 52 हफ्ते के अंदर करीबन 180 हिंदी फिल्में हैं, फिर उसके बाद करीबन 30-40 हॉलीवुड की फिल्में आती हैं, तो बहुत सारा कंजेशन रहेगा ही रहेगा। ये तो आगे जाके और भी प्रॉब्लम होंगी, और भी अब तो दो दो तीन तीन होती हैं, अब तो आगे जाके चार चार पाँच पाँच भी होंगी, तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। एंड वी शुड नॉट ब्लेम एनीबडी, वी शुड नॉट ब्लेम ईच अदर, वी शुड जस्ट गो अलॉन्ग विद इट एंड दैट्स इट। हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि आपकी जितनी भी फिल्में आ रही है, इट्स लाइक यू नो एक मैसेज के साथ होती है एंड इट्स एंटरटेनिंग, तो दैट इज योर पर्पस आल्सो, लाइक आप इस तरह की सब्जेक्ट को अगली फिल्म हाउसफुल उसमें बहुत बड़ा मैसेज है, वो जरूर आना आप देखने। नहीं, कॉमेडी में भी आप कुछ ना कुछ मैसेज दे ही देते हो सर, मैं कह रहा हूँ उसमें तो जरूर आना देखने। एंड वन क्वेश्चन टू शर्मन, आपकी फिल्म हमने 3 इडियट्स देखी थी, वहां पर भी यू नो आप थोड़े सुपरस्टिशियस होते हैं, यहाँ पर भी कुछ मंगल भारी है टाइप का रोल है, व्हाट आई वुड से अबाउट हिट है, हिट है पिक्चर, हिट है। Script writers भी पूछे हैं, बिफोर शर्मन कुछ बोले, मैं आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ हिम बाय द वे, I've seen all his films. He's a great actor. He's one of the best actors I've. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Sharman, how much personally you believe in this? Like, you know, पहले मंगल मिशन से पहले तो हम मंगल की बात कर रहे थे, मंगल भारी है या एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा रिलेट करते थे पहले, क्या कहें? नहीं, पहले बिलीव नहीं करता था बिल्कुल, 3 इडियट्स के बाद बिलीव करने लगा, विपरीत हुआ, विपरीत। अक्षय पाजी ऑन योर लेफ्ट, अक्षय पाजी ऑन योर लेफ्ट, अक्षय हमने हमेशा देखा है कि आप 15th August की डेट को बहुत प्रेफरेंस देते आए हैं, सडनली अब और लोगों ने भी उसको प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया है, सडनली डू यू फील दैट द होल एक्सक्लूसिविटी दैट यू हैड ओवर 15th August इज समव्हाट गॉन? नहीं, ऐसा नहीं, एक्सक्लूसिविटी तो आई डोंट थिंक सो, ऐसा मुझे सोचना भी चाहिए और किसी भी एक्टर को सोचना चाहिए, क्योंकि सारी डेटा इट बिलोंग्स टू एवरीबडी, एवरीबडी कैन कम एनी टाइम, दे कैन कम, सो मेरा ये सोचना गलत होगा कि ऐसा सोचूं कि ये मेरी डेट है सर। ओके गाइस, वी विल टेक द लास्ट क्वेश्चन प्लीज, नाउ लास्ट क्वेश्चन। These films also motivates the whole India only. That's what the whole idea is behind. Sorry. तो बेटा एक 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 फिल्म के अंदर कितने प्रोफेशन दिखाऊं मैं? हाँ, एक ही दिखा सकता हूँ ना, कि क्या करूँ? कि 20-25 दिखा दूँ, एक इंजीनियर भी है, अलग-अलग उनकी कहानियाँ चल रही हैं। भी है, अलग-अलग फिल्में होती हैं ना, आप समझदार हो, आप समझो तो एक फिल्म के अंदर कितने प्रोफेशन दिखाऊंगा बैठ के? वो मत बनना, वो मत करना आप। अच्छा ठीक, कर लेते हैं। जॉन सर, मेरा सवाल निखिल जी और राइटर दोनों से है। जब ये हुआ था 2008 में, तब बॉम्बे में भी जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उसमें भी जो लोग पाए गए थे उनका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन पाया गया था। निखिल जी, अगर आपकी बात करें तो आप काफी बोल्ड हैं और आपने डी डे बिना किसी दुराव छुपाव के उसमें हर चीज आपने डाली, तो फिर ये जो फिल्म थी, इस फिल्म में आपने जो चंद्रमोहन जी का एनकाउंटर में डेथ हुई थी, जो मारे गए थे, उसके बाद राशिद पकड़ा नहीं गया सॉरी, उसने जो बयान दिया, राशिद का जो बयान था कि हमने जो भी किया, और उससे साफ जाहिर हो गया कि ये जो एनकाउंटर था वो सच में हुआ था, और अगर कोई मरा तो सिर्फ वो चंद्रमोहन जी मरे। उस वक्त
अरुंधति राय से लेके ढेर सारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, उसमें केजरीवाल भी थे, उसमें दिग्विजय सिंह भी थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन लोगों ने इसका सपोर्ट किया था और बहुत आंसू बहाए थे। तो आपने अपनी फिल्म में, चूंकि मैं आपसे बात कर रही हूं क्योंकि आप बहुत बोल्डली किसी भी सब्जेक्ट को उठाते हैं, तो इसमें पॉलिटिशियंस को क्यों नहीं दिखाया गया जिन्होंने आपको फिल्म देखना पड़ेगा। आप जब फिल्म देखोगे मैं आपको लेके जाऊंगा फिल्म देखने के लिए। इसमें इसमें दिग्विजय सिंह है, अमर सिंह है, अरविंद केजरीवाल है, सब है जी, सब लोग है जी, जी। सारे पॉलिटिशियंस हैं इसमें। हाँ हालांकि मतलब अगर हाँ है वॉच इट जॉन सर योर सेंटर राहुल फ्रॉम द फिल्म चर्चा। देयर आर इवन मोर पॉलिटिशियंस बाय द वे। जॉन सर योर सेंटर राहुल यर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। मेरा सवाल आपसे ये था, सबसे पहले तो ट्रेलर जितना धमाकेदार है आपकी परफॉर्मेंस भी उतनी पावर पैक लगी सर, और कुछ सालों से जिस तरह की फिल्में आप कर रहे हैं, पेट्रियोटिक फिल्म, रियलिस्टिक फिल्म, तो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं उस चीज़ को। लेकिन एक चीज़ और है कि जब देखा जाता है, जब चर्चा होती है कि रियलिस्टिक फिल्म, पेट्रियोटिक फिल्म की, तो दो नाम सामने आते हैं, एक जॉन अब्राहम, दूसरा अक्षय कुमार। आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं सर, और कुछ ऐसी भी दोस्ती होती है, बहुत कम ऐसी दोस्ती देखने को मिलती है कि दोस्ती अच्छी और पसंद भी दोनों की एक जैसी हो। एक ही डेट पे आते दोनों। पिछले साल आप दोनों साथ में आए थे और इस साल भी आप दोनों साथ में आ रहे, तो इस दोस्ती को क्या नाम दूं? Make some noise for the देसी boys. Killed it. No, I mean honestly, you know, I honestly, if there was a controversy, I would have loved to create it. लेकिन अक्षय and me are very dear friends और we really get along. हम लोग ने इनफैक्ट परसों ही हम लोग ने एक दूसरे को मैसेज किया, देर इज एब्सोल्युटली नथिंग, हम लोग सिर्फ दो फिल्म रिलीज कर रहे हैं एक दिन पे, देर इज इनफ स्पेस, ऑडियंस को यही दे रहे कि वी गिविंग ऑडियंस अ लॉट ऑफ चॉइस टू चूज फ्रॉम गुड फिल्म्स। एक तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी फिल्म बहुत अच्छी है, एटलीस्ट वन चॉइस द ऑडियंस हैज इन द हेड कि एक फिल्म तो अच्छी है। आई होप द अदर टू फिल्म्स आल्सो आर वेरी गुड, दैट्स ऑल आई कैन होप फॉर, बट ऑगस्ट 15th इज अ ग्रेट डेट। जॉन हाय, दिस साइड अंकिता फ्रॉम रिपब्लिक। फर्स्ट ऑफ ऑल the trailer looks promising, very nice, very amazing. Thank and you. We are looking forward for the film. My question to you is, be it Akshay in Suryavanshi, be it the Singham franchise, be Butler House for a matter of fact, कहीं ना कहीं वर्दी जो है वो अपना कमाल दिखा ही रही है, एंड यू नो फुटफॉल्स जो हैं, जो थिएटर्स में लोग आते हैं, वो काफ़ी इंक्रीज होता है। डू यू थिंक कि जो वर्दी है या यू नो प्लेइंग अ कॉप इज अ हिट फॉर्मूला फॉर अ फिल्म? नो, it's not. Content is the hit formula for a film. If your film's good, it'll run. If it's not good, it will not run. You can wear a cop uniform in a bad film, it'll not run. So content is most important.